मैं आपको बता चुका हूँ T1, T2 और गेट, ठीक है। बहुत आसान है इसका सर्किट, लेकिन कई लोग इसे घुमा फिरा के बताने कारण क्या करते हैं, इसको टफ कर देते हैं। तो अब क्या करना है, LDR के पहले टर्मिनल को हमको किससे जोड़ना है, हमारे ट्राइक से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके दूसरे टर्मिनल को एज इट इज अभी रहने देना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी नीचे एक होल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा BT136 ट्राइक है उसके T2 टर्मिनल को डायरेक्ट हमको किससे जोड़ना है, हमारे होल्डर के पहले टर्मिनल से, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने जोड़ दिया है। अब हमको क्या करना है, जो गेट है गेट के तीसरे टर्मिनल से, जिसमें पेन दिखा रहा हूँ, गेट के टर्मिनल पे हमको क्या करना है, एक डायग जोड़ना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ब्लू कलर का, जिसका नंबर मैंने उसी के ऊपर डाल दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब जो DB3 डायग का जो दूसरा टर्मिनल है, उसके दूसरे टर्मिनल पे हम क्या जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इसकी वैल्यू क्वार्टर वॉट है ना, अब आपने देख लिया होगा आसानी से, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, अब हमको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है इसको हमें होल्डर से जोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, अब जो LDR का जो हमने दूसरा टर्मिनल निकाला था उसको हमें DB3, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये जो LDR का दूसरा टर्मिनल है इसे हमें DB3 के सेकेंड टर्मिनल और रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ना है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कहीं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने जोड़ दिया, अब जहां से मैं इनपुट दे रहा हूँ, जहां पर मैं 220 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ, मैं उसके आपको दो टर्मिनल बता देता हूँ। हमको क्या करना है, जो LDR का फर्स्ट टर्मिनल था जिससे मैंने T1 में जोड़ा था, उस वहां पर हमें एक वायर जोड़नी है, और इसका दूसरा टर्मिनल हमको क्या करना है, होल्डर के सेकेंड वाले टर्मिनल से, लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके में हर सर्किट की जानकारी दूं जो मैं अपनी वीडियो में डालता हूं, जिससे आप आसानी से समझ सकें और चाहे तो बना भी सकते हैं। है ना, जैसे कि आपको यहां सब दिख गया है, अब मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ एक दूसरे पेन से, फ्रेंड्स। मेरी दूसरा सर्किट बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था फिर से, कि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना मैं तो पहले वाले सर्किट को आपको समझा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना जाए बिल्कुल भी, के नाम के साथ, ये बल्ब है 220 वोल्ट एसी, तो आप जानते हैं ये LDR है, इजीली इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से हम AC सप्लाई दे रहे हैं इसको, ये AC सिंबल तो आपको पता ही है ना। तो मुझे लगता है कि आसानी से अभी तक आपको ये सर्किट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है ना फ्रेंड्स। तो
आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो उस सर्किट के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि आपको आसानी से सर्किट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ना फ्रेंड्स। ये ट्राइक LDR डायक आप देख के कन्फ्यूजन मत होइए कि ये क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपके एरिया के पास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हो वहाँ पर आप जाके इनका नाम और नंबर बताएंगे तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत आसान सर्किट से मैंने आपको बता दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इस सर्किट के यूज से मैं आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ बल्ब होल्डर बाय यूजिंग LDR बना के बताऊं, जिससे आप देख के और अच्छे से सीख सकें, लेकिन आप इसकी मदद से भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।